हाँ जी थर्ड ईयर, थर्ड ईयर वॉइस क्लियर है? थर्ड ईयर, थर्ड ईयर, हेलो। हाँ तो हम क्या कर रहे थे, IPQC टेस्ट के बारे में बात कर रहे थे। तो IPQC टेस्ट क्या होते हैं, जब हमारा रॉ मटेरियल हमें मिल जाता है, रॉ मटेरियल और ड्रग मिल चुकी है हमें, हम उसके फिर क्या कर रहे हैं, उसकी ग्रैन्यूलेशन कर रहे हैं, ग्रैन्यूलेशन के बाद उसका कॉम्प्रेशन कर रहे हैं, कोटिंग कर रहे हैं, फिर जो हमें फिनिश प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है, फिनिश प्रोडक्ट के मिलने तक जो टेस्ट होते हैं उनको क्या हम बोलते हैं, IPQC टेस्ट। क्या बोल रहे हैं उनको, IPQC टेस्ट। और फिर हमारी टैबलेट फिनिश्ड फॉर्म में आ चुकी है, ठीक है, फिर क्या होते हैं, फिनिश टेस्ट भी करते हैं उसके, जैसे हार्डनेस टेस्ट हो गया, वेट वेरिएशन टेस्ट हो गया, डिसोल्यूशन टेस्ट हो गया, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट हो गया। तो ये कौन से आते हैं, फिनिश्ड कंट्रोल क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट, ये किस में आते हैं, फिनिश्ड क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट। और IPQC टेस्ट क्या होते हैं, रॉ मटेरियल से लेके जब तक हमारी टैबलेट फिनिश्ड फॉर्म में आ रही है, तो उनके बीच के जो प्रोसेस भी हो रहे हैं, उन प्रोसेस में भी हम टेस्ट करते रहते हैं, ठीक है। रॉ मटेरियल लिया हमने, सबसे पहले हम रॉ मटेरियल की क्वालिटी चेक करते हैं कि ये किस क्वालिटी का है, देन क्या करते हैं हम, वेट करते हैं, ठीक है, कि वेट इसका एग्जैक्ट है या नहीं। फिर क्या करते हैं, उनकी जब मिक्सिंग वगैरह होती है, ग्रैन्यूलेशन वगैरह होता है, उसके बाद भी जो ग्रैन्यूल्स होते हैं उनकी भी टेस्टिंग करते हैं, ग्रैन्यूल जो आते हैं हमारे पास, ठीक है, ग्रैन्यूल्स आ गए, फिर पाउडर ड्रग आ गई उसकी भी टेस्टिंग करते हैं, फिर अनकोट जो कॉम्प्रेस्ड हो गए, अनकोटेड टैबलेट मिलती है हमें, उसकी भी टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें पैकेजिंग से पहले होती हैं, तो हर प्रोसेस पे जो IPQC टेस्ट हैं वो फॉलोअप होते रहते हैं, ठीक है। थर्ड ईयर, थर्ड ईयर, यस मैम। तो इसमें लिखो क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट ऑफ टैबलेट, हेडिंग डालिए क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट ऑफ टैबलेट, क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट ऑफ टैबलेट, क्वालिटी ऑफ टैबलेट, क्वालिटी ऑफ टैबलेट शुड फुलफिल, क्वालिटी ऑफ टैबलेट, क्वालिटी ऑफ टैबलेट शुड फुलफिल, शुड फुलफिल, क्वालिटी ऑफ टैबलेट शुड फुलफिल सर्टेन स्पेसिफिकेशंस, सर्टेन स्पेसिफिकेशंस। अब क्वालिटी चेक कर रहे हैं हम टैबलेट की, तो क्या होनी चाहिए वो, उसका कलर शेप, कलर जो है एग्जैक्ट कलर होना चाहिए, शेप वगैरह एग्जैक्ट होनी चाहिए, वेट एग्जैक्ट होना चाहिए, उस पर जो कोटिंग हुई है वो एग्जैक्ट होनी चाहिए, जो डिजो और DT के पैरामीटर्स हैं उनको फॉलोअप करती हो, हार्डनेस टेस्टर जो होते हैं, ठीक है, फ्रीएबिलिटी टेस्ट उसको क्वालिफाई करती हो, तो ये क्या होती है, सारी की सारी ये क्वालिटी है एक अच्छी टैबलेट की, ठीक है। नेटवर्क तो सही है, में लिखो क्वालिटी ऑफ टैबलेट शुड फुलफिल सर्टेन स्पेसिफिकेशन, द टैबलेट शुड इंक्लूड, इसमें नोट डाउन कीजिए, द टैबलेट शुड इंक्लूड द करेक्ट डोज ऑफ द ड्रग, द टैबलेट शुड इंक्लूड द करेक्ट डोज ऑफ द ड्रग, नेक्स्ट पॉइंट, The tablet should show sufficient mechanical strength to withstand during manufacturing and handling, ठीक है। ये सर्टेन स्पेसिफिकेशंस होती हैं जो टैबलेट की क्वालिटी के लिए होनी चाहिए, ठीक, करेक्ट डोज होनी चाहिए उसमें ड्रग की, और क्या होना चाहिए, सफिशिएंट मैकेनिकल स्ट्रेंथ होनी चाहिए, कब, ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और हैंडलिंग प्रोसेस, ठीक है। हैंडलिंग प्रोसेस में क्या आते हैं, हैंडल जब हम करते हैं कि उसकी हार्डनेस कैसी है, फ्रीएबिलिटी कैसी है उसकी, ठीक। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट हेडिंग डालो, नीड ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट, हम क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट क्यों करते हैं, हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है उसकी, कि हमें इसकी क्वालिटी चेक करनी है टैबलेट की,
क्यों करते हैं? हम देखते हैं कि इसमें करेक्ट डोज है, उसका वेट एग्जैक्ट है, उसकी पोटेंसी सही है, उसकी कोटिंग सही से हो रखी है नहीं, ठीक है। जितने भी सारे पैरामीटर्स हैं, ऑफिशियल और अनऑफिशियल जो पैरामीटर्स हैं, उनको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट की हमें ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक, थर्ड ईयर, थर्ड ईयर वॉइस क्लियर नहीं है क्या? थर्ड ईयर तो इसमें लिखो नीड ऑफ क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट, नीड ऑफ क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट। हैंडलिंग के बाद बस हैंडलिंग के ब्रैकेट में लिख लो हार्डनेस एंड फ्रीएबिलिटी टेस्ट, हार्डनेस एंड फ्रीएबिलिटी टेस्ट, हार्डनेस एंड फ्रीएबिलिटी टेस्ट। अब नेक्स्ट हेडिंग है नीड ऑफ क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट, नीड ऑफ क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट। इसमें लिखो टू एंश्योर, टू एंश्योर किस लिए हम करते हैं क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट, टू एंश्योर सेफ्टी, सेफ्टी, टू एंश्योर सेफ्टी, पोटेंसी, पोटेंसी, टू एंश्योर सेफ्टी, सेफ्टी के लिए कि टैबलेट सेफ हो, जो उसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो जिसके लिए वो बनाई गई है उसमें वो सेफली डिलीवर हो जाए, सेफ्टी कॉमा पोटेंसी, पोटेंसी पोटेंट होनी चाहिए वो, पोटेंसी कॉमा एफिकेसी, एफिकेसी ई डबल एफ आई सी ए सी वाई, एफिकेसी, एफिकेसी कॉमा स्टेबिलिटी, 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 स्टेबिलिटी कॉमा पेशेंट एक्सेप्टेबिलिटी, पेशेंट एक्सेप्टेबिलिटी, पेशेंट पी ए टी आई ई एन टी, पेशेंट एक्सेप्टेबिलिटी ए डबल सी ई पी टी ए, ए डबल सी ई पी टी ए बी आई एल आई टी वाई, पेशेंट एक्सेबिलिटी एंड पेशेंट कॉम्प्लेंस ऑफ द टैबलेट, एंड पेशेंट कॉम्प्लेंस ऑफ द टैबलेट, पेशेंट कॉम्प्लेंस कि अगर हम जितनी भी डोज जो दे रहे हैं पेशेंट को, पेशेंट कॉम्प्लेंस मतलब वो उसके लिए अफेक्टिवली डिलीवर है और वो पेशेंट जो है सेटिस्फाइड है उस ड्रग से, उसका जो पेन है वो रिलीव हो रहा है या कोई भी उसको प्रॉब्लम है, एंड पेशेंट कॉम्प्लेंस ऑफ द टैबलेट, एंड पेशेंट कॉम्प्लेंस ऑफ द टैबलेट। नेक्स्ट पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट था टू एंश्योर सेफ्टी पोटेंसी एफिकेसी स्टेबिलिटी पेशेंट एक्सेप्टेबिलिटी एंड पेशेंट कॉम्प्लेंस ऑफ द टैबलेट। सेकेंड पॉइंट है टू चेक द क्वालिटी पैरामीटर्स, टू चेक द क्वालिटी पैरामीटर्स, क्वालिटी पैरामीटर्स आर विद इन द लिमिट, आर विद इन द लिमिट, आर विद इन द जो क्वालिटी पैरामीटर्स हैं वो लिमिट में है या नहीं, आर विद इन द लिमिट और नॉट, आर विद इन द लिमिट और नॉट। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट की, क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट। तो आपको पता है क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल आप टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी अगर आप डोसेज फॉर्म की अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या आप फार्मा कंपनी में जा रहे हैं तो आपको पता होता है कि इसके तीन डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, क्यूए डिपार्टमेंट हो गया और क्यूसी डिपार्टमेंट हो गया। प्रोडक्शन में आपको पता है कि जहाँ टैबलेट है मैन्युफैक्चर हो रही है, ठीक है, और क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन ऐसा हो गया जहाँ पे जो टैबलेट मैन्युफैक्चर हो रही है हर फेस में, उसका अलग अलग फेस है, ग्रैन्युलेशन फेस है, ठीक है, कोटिंग फेस है, मिक्सिंग फेस है, तो हर फेस में जो भी हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है टैबलेट का उसकी चेकिंग जो होती है वो कहाँ होती है, क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन में होती है, ठीक है। इट मीन्स द टेस्टिंग ऑफ ड्रग, टेस्टिंग ऑफ ड्रग प्लस रॉ मटेरियल, ठीक है, ड्रग की भी टेस्टिंग होगी, रॉ मटेरियल की भी टेस्टिंग होगी, प्लस जो हमारे पास फिनिश्ड ड्रग आ रही है
ठीक है, उसकी भी टेस्टिंग कहाँ पे हो रही है? क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन में होती है, ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बोलो मैम। ये तो प्रोडक्शन और क्यूसी डिपार्टमेंट एक साथ ही होते हैं? नहीं, एक साथ नहीं होते हैं, एक साथ नहीं होते। रॉ मटेरियल आया, रॉ हमारे देखो कि जैसे मैंने तुम्हें बताया था ना, माइक्रो में पढ़ाया था कि अलग अलग सेक्शन होते हैं, एंट्रेंस गेट होता है, फिर एडमिन ब्लॉक होता है, ठीक है, फिर स्टोर एरिया होता है, एक स्टोर एरिया में क्या होगा है ना, रॉ मटेरियल स्टोर हो जाएगा, ठीक है। रॉ मटेरियल से क्या करते हैं, अब जो कुछ हमारे जो इसमें है फार्मा कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, तो रॉ मटेरियल से जो हमारा क्वालिटी कंट्रोल का जो हेल्पर होता है या कोई भी होता है, वो प्रोडक्ट लेके आता है रॉ मटेरियल का, उसकी हम टेस्टिंग करते हैं सबसे पहले, ठीक है। अगर वो हम टेस्टिंग में सेटिस्फाइड मिल जाता है कि हाँ हमें रॉ मटेरियल सेटिस्फाइड है, तब आगे हम उसका प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं उसको, ठीक है। और ड्रग का भी रॉ मटेरियल आता है, जो ड्रग है उसका भी रॉ मटेरियल आएगा, ड्रग की टेस्टिंग करेंगे, प्लस जो उसके साथ उसमें एक्सिपिएंट यूज़ हो रहे हैं उनकी भी टेस्टिंग करके जब हमें मिलता है कि हाँ रिजल्ट सेटिस्फाइड है, तो हम क्या करते हैं उसकी प्रोडक्शन में उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन पता चल गया, क्वालिटी कंट्रोल पता चल गया, अब क्या आता है तीसरा, QA, क्वालिटी एश्योरेंस, ठीक है। तो क्वालिटी हाँ जी बोलो। तो प्रोडक्शन में से जैसे रॉ मटेरियल आया, फिर उसके बाद दोबारा प्रोडक्शन में लेके प्रोडक्शन में नहीं आता रॉ मटेरियल, देखो रॉ मटेरियल मतलब क्यूसी में आया रॉम, हाँ ठीक है। फिर दोबारा लेके जाएगा वो प्रोडक्शन। रॉ मटेरियल किस में आता है? बहुत जो बड़े बड़े कंटेनर होते हैं ना, उसमें आता है रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल वैसे हम सैम्पलिंग एक प्रोसेस होता है, ठीक है, सैम्पलिंग करते हैं, वन स्पून एक या हमने ले लिया 500 ग्राम ले लिया, 1 kg ले लिया, ठीक है, ठीक है, लेस अमाउंट ही लेते हैं, 500 ग्राम या 1 kg ना बहुत कम ही लेते हैं, 200 ग्राम ले लिया, वो हमारे पास सैंपल आ जाता है, उसकी हम टेस्टिंग करते हैं, फिर आगे ले जाते हैं उसे, ये नहीं कि हम पूरा का पूरा टेस्ट करेंगे, वो तो बहुत लार्ज अमाउंट में आता है। रॉ मटेरियल से मतलब है ड्रग सपोज, हाँ ड्रग प्लस एक्सीपिएंट सब कुछ इसमें यही आएगा, कच्चा जो है कच्चा माल बोलते हैं ना रॉ मटेरियल को, ठीक है। तो पहले उसकी टेस्टिंग होगी फिर दोबारा, पहले उसकी टेस्टिंग होती है, हाँ जी पहले उसकी टेस्टिंग होती है, फिर उसके बाद क्या होता है, जब हम सेटिस्फाइड हैं कि हमारा रिजल्ट सेटिस्फाइड हो जाता है, उसके बहुत अलग अलग टेस्ट हैं, कलर हो गया, ऑर्डर सॉल्युबिलिटी जो हो गया, IR हो गया, एब्जॉर्बेंस हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, ये सब हम चेक करते हैं, ठीक है। और जब इनका रिजल्ट सेटिस्फाइड हो जाता है, ठीक, रिटर्न में देते हैं कि हाँ इनका रिजल्ट सेटिस्फाइड है, कि ये इतने परसेंट हैं इनमें जो मेरे ड्रग बनानी है, या एक्सीपिएंट जो हैं 97 से 102 के आसपास आता है इनका रिजल्ट, कि इतना है, तब वो अगर हम सेटिस्फाइड होते हैं क्वालिटी कंट्रोल वाले, तब वो आगे भेजते हैं कि हाँ आप इनको यूज़ कर लीजिए। क्लियर है मोनिश? यस मैम। फिर उनकी टैबलेट जो बन के आती है उसकी क्वालिटी, उसकी भी चेक होती है। देखो मैं बता तो रही हूँ, जो आपका टैबलेट है रॉ मटेरियल आया, पहले हमने उसकी टेस्टिंग कर ली क्वालिटी कंट्रोल में, ठीक है, फिर हमने क्या किया, ड्रग मतलब ड्रग की भी हमने टेस्टिंग की है जो रॉ मटेरियल रॉ फॉर्म में आई है, और एक्सीपिएंट की टेस्टिंग की है जो रॉ फॉर्म में आया है, ठीक है। अब उनका हम क्या करते हैं, मिक्सिंग ही तो करते हैं, मिक्सिंग कर रहे हैं RMG में, रैपिड मिक्सर ग्रेन्यूलेटर होता है एक कंपनी में, अगर देखोगे जया वगैरह गए थे लास्ट ईयर, उन्हें देखा था, ठीक है। मिक्सिंग करते हैं, मिक्सिंग के बाद क्या होता है, ग्रेन्यूलेशन फॉर्म जो आता है हमारा, जब ग्रेन्यूल्स बन जाते हैं तो ग्रेन्यूल्स की भी हम टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। वो ग्रेन्यूल जब फॉर्म हो जाते हैं पूरे के पूरे, तब वो उनको क्वालिटी कंट्रोल में शिफ्ट कर देते हैं या भिजवा देते हैं। कौन लेके आता है, ये क्वालिटी एश्योरेंस वाला बंदा लेके आता है, क्योंकि उसका काम क्या है, इंस्पेक्शन करने का, वो हर पैकेजिंग में भी होगा वो, ठीक है, कोटिंग में भी होगा वो, ग्रेन्यूलेशन में भी होगा वो, जहाँ पे फिनिश्ड फॉर्म बन रही है उस ड्रग की वहाँ पे भी होगा वो, और क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन में भी होगा वो, उसे हर अलग अलग डिपार्टमेंट असाइन किया जाता है, ठीक है। वो ग्रेन्यूल्स लेके आता है आप आपके, ठीक, ग्रेन्यूल्स भी लेके आएगा और पाउडर फॉर्म भी लेके आएगा जो मिक्सिंग के थ्रू निकली है, ठीक है। उनकी हम टेस्टिंग करते हैं कि हाँ ये सही है, क्वालिटी एश्योरेंस में क्या होता है, क्वालिटी एश्योरेंस वालों का काम क्या होता है, एश्योर करना किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी कि वो सही है या नहीं, ठीक है। वो उस पर मार्क लगा देते हैं या ठप्पा लगा देते हैं कि ये सही है या नहीं है,
तो बस उनका ये काम होता है, एज एन इंस्पेक्टर वर्क करते हैं वो हर डिपार्टमेंट में, इंस्पेक्शन करते रहते हैं कि जितना, जैसे हमने रॉ मटेरियल यूज़ किया है कि सपोज़ हमें लेना है 250 केजी लेना है, ठीक है, रॉ मटेरियल मैं बता रही हूँ, सपोज़ करो, तो वो देखते हैं कि इन्होंने एग्जैक्ट वेट लिया है उसका या नहीं। वो वहाँ पे भी होते हैं जब वेट होता रहता है बैलेंस पे, तब भी वो होते हैं, और जब मिक्सिंग वगैरह होती है उस सेक्शन में भी होते रहते हैं वो कि मिक्सिंग प्रॉपरली हो रही है या नहीं, ठीक है। तो क्या होता है, जो क्वालिटी एश्योरेंस वाला बंदा होता है उसे ओवरऑल नॉलेज होती है प्रोडक्शन की भी, क्वालिटी कंट्रोल की भी और क्वालिटी एश्योरेंस की भी, तभी बोलते हैं कि क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट में जाना चाहिए। लेकिन क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट तब जाना चाहिए जब हमें प्रोडक्शन और क्यूसी की भी नॉलेज हो, ठीक है। थर्ड ईयर तो कहाँ तक लिखा था हमने, तो क्वालिटी कंट्रोल की बात करती है। अब क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है, क्वालिटी कंट्रोल में क्या हो रहा है, जो सैम्पलिंग प्रोसेस हो रही है, ठीक है, सैम्पलिंग हो रही है, टेस्टिंग हो रही है, डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है किसी प्रोडक्ट का, ठीक है, किसी प्रोडक्ट का, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट। इसमें लिखो, क्वालिटी कंट्रोल इज़ ए स्मॉल पार्ट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस का एक छोटा सा पार्ट होता है ये। क्वालिटी कंट्रोल इज़ ए स्मॉल पार्ट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस एंड इट इज़ कंसर्न्ड विद सैम्पलिंग टेस्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑल्सो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑल्सो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ CompletionOn completion of manufacturing. Next line में लिखना, in general terms, QC refer to a procedure in general completion of manufacturing. QC refer to a procedure Or a set of steps taken during the manufacturing of a product, taken during the manufacturing of a product. Manufacturing of a product to ensure that it meets the requirement that the product is reproducible.
रिप्रोड्यूसिबल, दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, इन जनरल टर्म्स क्वालिटी कंट्रोल रेफर टू ए प्रोसीजर और ए सेट ऑफ स्टेप्स टेकन ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ए प्रोडक्ट टू एंश्योर दैट इट मीट्स द रिक्वायरमेंट दैट द प्रोडक्ट इज रिप्रोड्यूसिबल, दैट द प्रोडक्ट इज रिप्रोड्यूसिबल। ठीक है, थर्ड ईयर नेक्स्ट लिखो टाइप ऑफ क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट। अब क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट कौन कौन से होते हैं या टाइप्स कौन कौन से हैं उनके, फर्स्ट ईयर में पढ़ा नहीं आपने ये क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट कौन कौन से होते हैं इसके? नहीं पढ़ा, टैबलेट टाइप्स तो पढ़ा होगा ना? यस मैम। टाइप्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट, टाइप्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट, अब कौन कौन से होते हैं ये? ठीक है, अगर हम एज पर IPBP या USP बात करें, एज पर IPBP या USP, तो इनको दो पार्ट्स में सब डिवाइड कर दिया गया है, ऑफिशियल टेस्ट और अनऑफिशियल टेस्ट। ऑफिशियल टेस्ट और अनऑफिशियल टेस्ट। ऑफिशियल टेस्ट में क्या आता है? हार्डनेस, वेट वेरिएशन, ठीक है, डिसइंटीग्रेशन टाइम, डिसॉल्यूशन टेस्ट वगैरह जो होते हैं वो किस में आते हैं? ऑफिशियल टेस्ट में आते हैं। और अनऑफिशियल टेस्ट में क्या आता है? थिकनेस जो होती है आपकी, फ्रीएबिलिटी जो होती है, और ऑर्गेनोलैप्टिक प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं, मतलब उसकी कलर कैसी है, शेप कैसी है, साइज़ कैसा है, ये किस में आते हैं? अनऑफिशियल टेस्ट में आते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखो, फर्स्ट लिखो ऑफिशियल टेस्ट। ऑफिशियल टेस्ट यह आता है जो क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट है ना, ये एग्ज़ाम में ज़रूर आता है इसका क्वेश्चन कि क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट क्या होते हैं टैबलेट के। ऑफिशियल टेस्ट में है, ऑफिशियल टेस्ट इंक्लूड लिख लेना इसमें, टाइप्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट एज पर IPBP USP। ऑफिशियल टेस्ट में है, ऑफिशियल टेस्ट इंक्लूड वेट वेरिएशन टेस्ट, ड्रग कंटेंट, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट, मतलब वो कितने टाइम में डिसइंटीग्रेट हो रही है, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट अपैरेटस भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है डिसॉल्यूशन टेस्ट मीन्स कितने टाइम में वो डिसॉल्व हो जाती है, डिसॉल्यूशन टेस्ट। नेक्स्ट है अनऑफिशियल टेस्ट दे इंक्लूड, अनऑफिशियल टेस्ट कौन कौन से होते हैं? थिकनेस कि थिक कितनी है टैबलेट, थिकनेस, फ्रीएबिलिटी टेस्ट अपैरेटस होता है, उसमें चेक करते हैं, मशीन रूम में भी रखा हुआ है इधर, देखा है? डिसॉल्यूशन के बाद टेस्ट के बाद है अनऑफिशियल टेस्ट कौन कौन से हैं, ये सब ऑफिशियल टेस्ट में आए थे, जो वेट वेरिएशन टेस्ट था, ड्रग कंटेंट टेस्ट था, और डिसइंटीग्रेशन टाइम टेस्ट था, और डिसॉल्यूशन टेस्ट किस में आए थे? ये ऑफिशियल टेस्ट में आए थे। अब बारी आती है अनऑफिशियल टेस्ट कौन कौन से हैं, अनऑफिशियल टेस्ट में है थिकनेस की कितनी थिक है टैबलेट के देखते हैं हम उसमें, थिकनेस, फ्रीएबिलिटी इसमें क्या करते हैं, उसकी जो टैबलेट होती है ना, एक फ्रीएबिलिटी टेस्ट अपैरेटस होता है, ठीक है, उसमें हम टैबलेट को डाल देते हैं और फिर क्या करते हैं, RPM, जैसे हमने 25 RPM सेट कर दिए, तो 25 RPM में वो टैबलेट रोटेट होती रहेगी, अगर टैबलेट वो रोटेट होती रही है और रोटेट होने के बाद भी 25 RPM के बाद भी अगर वो सही निकल जाती है तो टैबलेट क्या है, मतलब उसकी हार्डनेस वगैरह जो है ना वो सही है। ठीक है फ्रीएबिलिटी के बाद लिखो ऑर्गेनोलैप्टिक कैरेक्टर्स में क्या आएंगे,
जो एक्सटर्नल कैरेक्टर्स होते हैं, कलर, कलर आ जाती है इसमें, कलर, शेप, साइज, साइज, ठीक है, और हार्डनेस टेस्टर, एक मॉनसेंट्रो हार्डनेस टेस्टर होता है, जैसे प्लास होता है ना आपका, इस टाइप का होता है वो, उसके बीच में हम क्या करते हैं, टैबलेट को रख देते हैं और फिर टैबलेट जो उसको दबाते हैं पीछे से, ठीक है, पुश करते हैं, अगर टैबलेट जैसी है विद स्टैंड वो वैसी रहती है तो टैबलेट अच्छी क्वालिटी की है, मतलब वो हार्ड है, ठीक है। अनऑफिशियल टेस्ट लिख लिया आपने, थिकनेस हो गया, फ्रीएबिलिटी हो गया, ऑर्गेनोलैप्टिक कैरेक्टर्स हो गया और हार्डनेस हो गया। अब लिखो इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट, इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट, ये क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट, क्वालिटी कंट्रोल की बात कर रहे थे हम, क्वालिटी कंट्रोल में क्या क्या होता है। अब आपके जो सिलेबस में दिया है तो वो है टैबलेट के इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट कौन कौन से होते हैं, ठीक है, तो इन इन दोनों से अलग है ना, ऑफिशियल और अनऑफिशियल। हाँ जी, अलग हेडिंग है, ये अलग से हेडिंग है, इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट, इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट। अब इसमें क्या आ रहा है, इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल क्या होती है, जहाँ पे हमें रॉ मटेरियल की रिसिप्ट से लेके फिनिश्ड प्रोडक्ट हमें ऑप्टेन हो रहा है, ठीक है, तो उसके बीच में जितने ही प्रोसीजर आते रहेंगे उन प्रोसीजर में टेस्टिंग होती रहती है, एक एक दो दो घंटे बाद जो जो हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है, तो उस उन टेस्टिंग के प्रोसीजर को हम क्या बोल रहे हैं, इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। इसमें नोट डाउन करो IPQC, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं हम IPQC, इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल, क्या बोल रहे हैं हम इसको, IPQC। IPQC इज कंसर्न्ड विद, IPQC इज कंसर्न्ड विद प्रोवाइडिंग, IPQC इज कंसर्न्ड विद प्रोवाइडिंग, कंसर्न्ड विद प्रोवाइडिंग एक्यूरेट, एक्यूरेट, एक्यूरेट कॉमा स्पेसिफिक, एक्यूरेट स्पेसिफिक एंड डेफिनाइट डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसीजर। IPQC इज कंसर्न विद प्रोवाइडिंग एक्यूरेट स्पेसिफिक एंड डेफिनाइट डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसीजर, डेफिनाइट डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसीजर टू बी एम्प्लॉयड फ्रॉम, डेफिनाइट डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसीजर टू बी एम्प्लॉयड फ्रॉम, टू बी एम्प्लॉयड फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ रॉ मटीरियल, टू बी एम्प्लॉयड फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ रॉ मटीरियल, रिसिप्ट ऑफ रॉ मटीरियल टू द रिलीज ऑफ फिनिश्ड डोसेज फॉर्म, टू द रिलीज ऑफ फिनिश्ड डोसेज फॉर्म, ठीक है। IPQC में क्या चेक कर रहे हैं हम, IPQC इज कंसर्न्ड विद प्रोवाइडिंग, क्या प्रोवाइड कर रही है हमें वो, एक्यूरेट स्पेसिफिक एंड डेफिनाइट डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसीजर, जो हम प्रोसीजर एम्प्लॉय कर रहे हैं, ठीक है, ऑफ द प्रोसीजर टू बी एम्प्लॉयड फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ रॉ मटीरियल टू द रिलीज ऑफ द फिनिश्ड डोसेज फॉर्म, क्लियर है। एक और बार बताइए। हाँ जी, IPQC इज कंसर्न्ड विद प्रोवाइडिंग एक्यूरेट स्पेसिफिक एंड डेफिनाइट डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसीजर टू बी एम्प्लॉयड फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ रॉ मटीरियल टू द रिलीज ऑफ द फिनिश्ड डोसेज फॉर्म, टू द रिलीज ऑफ द फिनिश्ड डोसेज फॉर्म, ठीक है। ठीक है, रिसिप्ट ऑफ रॉ मटीरियल, रॉ मटीरियल रिसिप्ट जब से मिल जाती है, मतलब हम रॉ मटीरियल हमारे पास आ चुका है, ठीक है, रिसिप्ट ऑफ रॉ मटीरियल हमें हमारे पास आ चुका है, हमें उसकी रिसिप्ट मिल चुकी है, हमारे जहाँ हम जहाँ फॉर्मुलेशन सेक्शन है या जहाँ पे हमारी फार्मा कंपनी है वहाँ पे हमारे पास आ चुका है वो रिसिप्ट ऑफ रॉ मटीरियल टू द रिलीज ऑफ, टू द रिलीज ऑफ फिनिश्ड डोसेज फॉर्म, टू द रिलीज ऑफ फिनिश्ड डोसेज फॉर्म।
ठीक है, और पूरा फिनिश करने तक। हाँ, जो उनके बीच में जो टेस्टिंग जो जो प्रोसीजर्स होते रहते हैं उनके बीच में जो प्रोसीजर होते रहते हैं, ठीक है। ग्रैन्यूलेशन हो रहा है, मिक्सिंग हो रही है, कंप्रेशन हो रहा है, कोटिंग हो रही है, पैकेजिंग हो रही है, ठीक है। ये जनरली मैं बता रही हूँ, वैसे होते हैं ये। तो इनमें जो प्रोसीजर हो रहे हैं, एम्प्लॉय हो रहे हैं, उसमें जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है उनकी हम टेस्टिंग करते रहते हैं टाइम टू टाइम। नेक्स्ट लाइन लिखो, IPQC टेस्ट आर परफॉर्म्ड एट IPQC। हाँ, एक और डाउट है, बोलो। अगर यही मतलब सारे टेस्टिंग जो है इसी में कर रहे हैं हम, इस प्रोसेस में, और प्रोसेस कहाँ जाएंगे फिर? और प्रोसेस कौन से जाएंगे? जब कोटिंग वगैरह सब पैकेजिंग इसी में कर रहे हैं हम टेस्टिंग। हाँ, और जो आपने लिखा है अनऑफिशियल ऑफिशियल, वो कहाँ जाएंगे फिर? वो उसके बाद आएंगे ना ऑफिशियल में। देखो हम क्या चेक कर रहे हैं ऑफिशियल में, क्या चेक कर रहे हैं? वेट वेरिएशन टेस्ट होता है। वेट वेरिएशन हम कब करते हैं? जैसे मैंने तुम्हें बताया था ग्रेन्यूल्स बन के आ रहे हैं हमारे पास क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन में, तो हम उनकी टेस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, कि वो सही है, ठीक, कि मतलब उसमें जो हमारा ड्रग का जो एस्से करते हैं हम यूवी के थ्रू, वो हमारी एब्जॉर्बेंस सही दे रहा है। जो रिजल्ट आया है मतलब ड्रग का जितनी होनी चाहिए उसकी एग्जैक्ट वैल्यू, वो सही है। ये हमने ग्रैन्यूल्स के थ्रू मतलब बता दिया उनको। फिर वो क्या करते हैं, वो उसकी कॉम्प्रेस्ड करके वो उसकी टैबलेट भेज देते हैं हमें। टैबलेट किसने भेज देते हैं? कॉम्प्रेस्ड करके बिना पैकेजिंग के भेजते हैं, वो अनकोटेड टैबलेट भेजते हैं, ठीक है। तो अनकोटेड टैबलेट के भी हम टेस्ट करते हैं, जैसे DT वगैरह हो गया, ड्रग कॉन्टेंट हम देखते हैं, डिजोल्यूशन देखते हैं। तो ये ऑफिशियल टेस्ट में ही तो आ रहा है इसमें, और वेट वेरिएशन टेस्ट देखते हैं। पहले हम एक टैबलेट का वे करते हैं, फिर दूसरी टैबलेट का वे करते हैं, फिर 20 टैबलेट का वे करते हैं, फिर एवरेज वेट निकालते हैं कि एवरेज एक टैबलेट का वेट इतना होना चाहिए। ये सब हम इसी में करते हैं, ये ऑफिशियल टेस्ट में ही तो आ रहा है। फिर अनऑफिशियल में क्या आ रहा है, जब टैबलेट बन जाती है, कोटिंग वगैरह हो जाती है, कि थिकनेस कितनी है उसकी, फ्रीएबिलिटी कैसी है उसकी, ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर्स कैसे हैं, कि जो कलर आना चाहिए था वो एग्जैक्ट आया नहीं है, कि आया है नहीं, शेप कैसी आई है उसकी, रेक्टेंगुलर है, ओवल है, राउंड है, ये अनऑफिशियल टेस्ट में करते हैं हम फिर, ठीक है। एक बार प्रोडक्शन एरिया घूम के आओ तब सब कुछ समझ आ जाएगा। फिफ्थ सेम के बाद ना ट्रेनिंग करना। अभी हम थोड़ा थ्योरी पढ़ रहे हैं, जब प्रैक्टिकली इसको देख लोगे ना तब डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। फिफ्थ सेम के बाद ना थर्ड ईयर में आ चुके हो, ट्रेनिंग होगी तुम्हारी, लेटर मिलेंगे कॉलेज हैं, फिफ्थ के बाद चले जाना, तो उसमें देख लेना। इसमें लिखो IPQC टेस्ट आर परफॉर्म्ड एट, नेक्स्ट लाइन में लिखना है IPQC टेस्ट आर परफॉर्म्ड एट चंदन। चंदन, चंदन हो तुम यहाँ पे? चंदन और अंकित, तुम तो गए थे, तुमने देखा था, और अंकित भी गया था, ये जो प्रोडक्शन सेक्शन, अंकित नहीं गया था, चंदन गया था और जया गई थी। हाँ ठीक है, अब लिखो IPQC टेस्ट आर परफॉर्म्ड, IPQC टेस्ट आर परफॉर्म्ड एट रेगुलर इंटरवल्स, एट रेगुलर इंटरवल ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। IPQC टेस्ट आर परफॉर्म्ड एट रेगुलर इंटरवल ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो IPQC टेस्ट आर मोस्टली, IPQC टेस्ट आर मोस्टली परफॉर्म्ड विद इन द, परफॉर्म्ड विद इन द प्रोडक्शन एरिया, परफॉर्म्ड विद इन द प्रोडक्शन एरिया। प्रोडक्शन एरिया में जनरली ये टेस्ट परफॉर्म होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखो इंस्ट्रूमेंट हेडिंग है इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर टेस्टिंग इन IPQC डिपार्टमेंट। अब IPQC टेस्ट में क्या कर रहे हैं हम? टेस्टिंग ही तो कर रहे हैं, जो हमारे पास प्रोडक्ट आ रहा है। तो कौन कौन से जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट हैं हमारे पास होने चाहिए IPQC डिपार्टमेंट में, ठीक है। पहला होता है DT, डिस इंटीग्रेशन टेस्ट अपैरेटस, DT, जिसमें हम देखते हैं कि टैबलेट कितने टाइम में डिसइंटीग्रेट हो रही है,
टूट रही है, ठीक है। डिसइंटीग्रेशन टेस्ट अपैरेटस होना चाहिए। नेक्स्ट लिखो डिसोल्यूशन टेस्ट अपैरेटस होना चाहिए। डिसोल्यूशन टेस्ट अपैरेटस जो लैब में भी है आपकी, यहाँ पे एनालिटिकल बैलेंस होना चाहिए। एनालिटिकल बैलेंस फ्रीएबिलिटी टेस्ट अपैरेटस टैबलेट हार्डनेस टेस्टर टेस्ट अपैरेटस टैबलेट हार्डनेस टेस्टर यूवी जो होती है यूवी अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी टीएलसी किट थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी जो करते हैं टीएलसी एक्सेट्रा मैम। हाँ जी मैम, ये यूवी अल्ट्रावायलेट वाला किस लिए होता है अपैरेटस? इसमें हम एब्जॉर्बेंस चेक करते हैं, एब्जॉर्बेंस के थ्रू जो ड्रग होती है कितनी प्योर फॉर्म में है वो चेक करते हैं, ठीक है। ड्रग का हम इसमें रॉ मटेरियल भी चेक करते हैं, रॉ मटेरियल जो आया है हमारे पास मतलब कच्चा माल आया जो पाउडर फॉर्म में है वो भी चेक कर लेते हैं इसमें, और जब हमारी टैबलेट पूरी बन जाती है फिनिश्ड फॉर्म में होती है वो भी चेक करते हैं, ठीक है। अलग अलग इनके सॉल्यूशन बनते हैं, एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनता है और जो हमारा सैंपल सॉल्यूशन है वो बनता है। अब स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की जैसे कितनी आ रही है, जो एब्जॉर्बेंस आ रही है 98 से लेके 99 तक आ रही है, ठीक है। फिर उसके साथ हम कंपेयर करते हैं सैंपल सॉल्यूशन की एब्जॉर्बेंस कितनी आई है, ठीक है। एब्जॉर्बेंस के थ्रू हमें पता चल जाता है कि वो जो ड्रग है हमारी कितनी प्योर फॉर्म में है। अगर 58% ही आ रही है ड्रग प्योर फॉर्म में तो हम उसको यूज़ नहीं करते मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है। हम कॉलेज खुलते ही ये करा देना टेस्ट वगैरह। अच्छा ठीक है, हो गया। इसमें कोई डाउट थर्ड ईयर क्वालिटी कंट्रोल और आईपीक्यूसी में है कोई डाउट? नो डाउट। थर्ड ईयर में आप लोगों से पूछ रही हूँ मैम, आईपीक्यूसी एक और बार बता दीजिए। आईपीक्यूसी डिपार्टमेंट में क्या होता है? टेस्टिंग होती है, ठीक है। टेस्टिंग किसकी हो रही है? रॉ मटेरियल से लेके जो अलग अलग प्रोसेस हो रहे हैं हमारे टैबलेट डिजाइनिंग में या टैबलेट फॉर्मूलेशन में, ठीक है। जो प्रोसीजर हम एम्प्लॉय कर रहे हैं उसके थ्रू जो हमारे पास प्रोडक्ट बन के आ रहा है, ठीक, उसकी हम टेस्टिंग करते हैं। कब तक टेस्टिंग करते हैं? जब तक कि वो फिनिश प्रोडक्ट ना बन जाए। और फिनिश प्रोडक्ट जब बन जाता है तो फिनिश प्रोडक्ट की भी हम टेस्टिंग किस में करते हैं? आईपीक्यूसी में करते हैं। आगे समझ मोनिश? ठीक है, और कोई डाउट? थर्ड ईयर? नो मैम। ठीक है, थैंक यू क्लास। थैंक यू मैम। ओके थैंक यू मैम। ओके थैंक यू।